सुप्रभात छात्रों, मैं एस एम मिशन कनिष्ठ महाविद्यालय की अध्यापिका श्रीमती भामरे मैम। छात्रों, अपने पिछले वीडियो में हमने त्रिपुरारी जी द्वारा लिखित प्रेरणा यह पहली कविता शुरू की थी। उसमें त्रिपुरारी जी का परिचय हमने लिया, कविता का सार हमने देखा, काव्य परिचय हमने लिया और साथ ही में पहली तीन जो त्रिवेणियाँ हैं उनका भावार्थ हमने पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि माँ जो होती है ना, वो बेवजह ही अपने दूर रहे बच्चे से फोन पर बात करते हुए रो पड़ती है। बच्चा भी रो पड़ता है माँ के सामने नहीं, लेकिन फोन रखने पर रो पड़ता है। और आगे कहा है, जिस पिता के बारे में कहा जाता है कि पिता जो है वो सख्त दिल का होता है ना, परंतु वो सिर्फ ऊपर से सख्त होता है लेकिन दिल से बहुत नाजुक होता है, एक नारियल की तरह। नारियल का उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको दिया था। मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी बड़ी सी छोटी सी ठोकर लगती है तो उई माँ ऐसा हम कहते हैं, लेकिन जब बड़ी ठोकर लगती है तो बाप रे कहकर हम बोल उठते है ना। और साथ में तीसरी त्रिवेणी में हमने देखा कि किस तरह से माँ बाप जो है बढ़ती महंगाई में है ना, घर का खर्चा चलाने के लिए दोनों काम पर जाते हैं, अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। कभी माँ घर पर रहती है तो पापा काम पर जाते हैं, कभी पापा घर पर रहते हैं तो माँ काम पर जाती है। यानी बच्चों को जो माँ बाप का प्यार होता है वो टुकड़ों में मिलता है, कभी साथ में नहीं मिलता। हाँ, महीनों हो जाते हैं माँ बाप को साथ में देखे, साथ में बात करे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था छात्रों। अगली त्रिवेणी हम देखते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर आपके पास किताब है तो पन्ना क्रमांक एक खोलिए, जिसमें पहली अगली चौथी त्रिवेणी जो है वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। उगते सूरज को तो सलामी सभी देते हैं डूबते वक्त, मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। उगते सूरज को तो सलामी सभी देते हैं, यानी कि वैभव के शिखर पर चढ़ा हुआ जो व्यक्ति है ना, उसको सभी सलामी देते हैं, उसके आगे पीछे करते हैं। पैसे वाला व्यक्ति जिसने सफलता हासिल की हो, ऐसा व्यक्ति है ना, उगता हुआ सूरज उसे कहा है, उसे तो सभी सलामी देते हैं। डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। देखो छात्रों, आज पैसा है तो कल नहीं होता। जब आपके पास पैसा होता है तो लोग आपके आगे पीछे करते हैं, आपको पूछते हैं, आपके घर आते हैं, आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते करते हैं, आपसे बात करते हैं। परंतु जीवन के जो पड़ाव होते हैं, चढ़ाव उतार तो जीवन में आते रहते हैं, सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। जब कभी ऐसा समय आता है कि आपके पास पैसा ना हो, आप बड़े मुश्किल में जी रहे हो, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप निराश हैं, उस वक्त मगर उस व्यक्ति का साथ आपको नहीं छोड़ना है, उसे भूलना नहीं है। यानी यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि वस्तु से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होती है तो वह व्यक्ति होती है। महत्व देना है तो व्यक्ति को दीजिए, वस्तु को नहीं देना है। पैसा एक वस्तु है, एक चीज़ है जो आज है कल नहीं, परंतु अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आप में इंसानियत है, तो आप व्यक्ति को महत्व देना। उन्नति की ओर बढ़ता व्यक्ति प्रगति की ओर बढ़ता व्यक्ति, और वही व्यक्ति कभी कभी अधोगति की ओर चला जाता है तो उसका साथ नहीं छोड़ना है। डूबना उगना तो महज नजरों का धोखा है। अर्थात क्या कि जो सूरज उगता है वह डूबने के लिए उगता है। यहां पर आपको मैं और एक उदाहरण भी दे सकती हूं। देखो, पंक्तियाँ जितनी बार आप पढ़ेंगे उतने अर्थ उनमें से निकलते हैं।
जैसे कि हम यह भी कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि पैसों को महत्व नहीं देना है, व्यक्ति को महत्व देना है, बिल्कुल उसी तरह उगता सूरज यानी हमारे माँ बाप है ना, जब हम माँ के आंचल में होते हैं, उनकी उंगली थाम कर चलते हैं, उनके आगे पीछे करते हैं, उनके प्रति कितना अपनापन प्रेम लगाव होता है हमारे मन में, वो जो पापा होते हैं हमारे दिन रात मेहनत करके हमें कमा कर देते हैं, खाना खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, शिक्षा देते हैं अच्छे से अच्छे, तब तक पापा हमें बहुत अच्छे लगते हैं, माँ बाप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। परंतु जब उनकी उम्र जैसे बढ़ती जाती है, वो बूढ़े होते जाते हैं, काम छूटता जाता है, तो उस वक्त वही प्यार, वही लगाव, वही अपनापन उनके साथ होना जरूरी है। छात्रों, यह भी अर्थ यहाँ पर निकलता है पंक्तियों में, तो डूबना और उगना है ना, यहाँ पर मैं तो कहूँगी कि व्यक्ति उगता है यानी कि व्यक्ति का जीवन जिस तरह से शुरू होता है, जीवन में सफलताएं होती है, वही व्यक्ति डूबता भी है। माँ बाप जब तक हमें देते हैं तब तक अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे वो बूढ़े हो जाते हैं, कोई कोई तो उन्हें अनाथाश्रम में वृद्धाश्रम में डाल देता है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको महत्व देना है तो व्यक्ति को देना है, पैसों को नहीं। चलिए अगली त्रिवेणी पढ़ते हैं छात्रों। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। बिल्कुल सही। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, गिरता वही है जो चलता है। हाथ पर हाथ धरा बैठा व्यक्ति है ना, उसके मार्ग में कभी बाधाएं नहीं आती है, कभी समस्याएं नहीं आती है, कुछ करता ही नहीं है वो। जो मेहनत करता है, जो कष्ट करता है, वह चलता व्यक्ति कभी कभी गिर जाता है, उसके जीवन में समस्याएं आती है, उसके मार्ग में बाधाएं आती है। परंतु कभी यहां पर कह रहे हैं कि चलते चलते कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। ये समस्याएं आती रहती है, बाधाएं आती रहती है जीवन में, उनसे लड़ो, उनसे लड़ना सीखो, ऐसी स्थिति में खुद को संभालो और फिर से चलने लगो। उत्थान और पतन यह जो होता है ना, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। कभी उत्थान होता है तो कभी पतन होता है, दोनों का क्रम तो चलता ही रहता है। और एक बात कवि यहां पर कहना चाहते हैं कि जीवन की असफलता में ही सफलता छिपी होती है। अगर आप गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। जो गलतियां करता है, जो गिरता है, वही सीखता है। बस गलतियों में खुद को संभाले रखना है। चोट खाकर ही सीख मिलती है, चोट खाकर, बिल्कुल सही। जीवन में जितने अनुभव आप लेते जाएंगे, उतना अच्छा जीवन आप जिएंगे। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि चोट खाकर ही सीख मिलती है, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। इसलिए कभी भी जीवन में समस्याएं आए तो निराश नहीं होना है, मानो वो आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, यही समझकर चलना चाहिए। तो छात्रों, चलते हैं अगली त्रिवेणी की तरफ। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोखी से सुबह जन्म लेती है। बिल्कुल सही। कि कितना भी घनघोर अंधेरा छाया हो, अंधेरा जीवन का, अंधेरा समस्याओं से घिरा जीवन यहाँ पर कहना है। देखो छात्रों, जो सूरज है ना, सूरज को भी ग्रहण लगता है, तो हम किस खेत की मूली है, हम तो इंसान है, हमारे जीवन में तो समस्या आएगी ही। तो जब
घनघोर अंधेरा छाया हुआ रहता है, तो एक आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। अर्थात कोई भी विपत्ति आए, कोई भी संकट आए, तो हमें घबराना नहीं है। एक आशा का दीपक हमारे मन में हमेशा जलते रहना चाहिए कि नहीं, रोशनी होने वाली है, उजाला जरूर होगा। संकटों का सामना, संकटों से निपटकर हम सही राह पर जरूर चलेंगे, कोई ना कोई मार्ग जरूर निकलेगा, ऐसा ही सोचना चाहिए। हमें यह जो बात है ध्यान में रखनी चाहिए कि स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती, बदलती रहती है। जैसे मैंने आपको कहा कि सुख और दुख यह तो आते जाते रहते हैं, सुख और दुख के बिना तो जीवन ही नहीं है। किसी न किसी दिन ये अंधेरा हट जाएगा, है ना, और उजाला अवश्य आएगा। रात की कोखी से सुबह जन्म लेती है। देखो बहुत खूब कहते हैं कि सुबह को जन्म लेना है तो रात की कोख से तो गुजरना ही पड़ता है। रात की कोख से ही तो सुबह जन्म लेती है। वैसे ही जब हम संकटों का सामना करेंगे, विपत्तियों से लड़ेंगे, उसके बाद तो सोच लेना अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। जितनी आपको तकलीफ होगी, जितनी आपकी तकलीफ बढ़ती जाएगी, उतना आपका जो अच्छा काल है, अच्छा समय है, अच्छे दिन है, वह निकट आते जाते हैं, ये ध्यान में रखिए। इसलिए इन तकलीफों को सहना भी बहुत ज़रूरी होता है, है ना। जैसे कि जितना हीरे को घिसो उतना वो चमकता जाता है ना। इसलिए जितना ये जो जीवन है आपका, समस्याओं के साथ आप घिसेंगे उतने आप रोशन होते जाएंगे, उतनी सीख आपको मिलती जाएंगी। चलते हैं अगले त्रिवेणी की तरफ, जिसमें कवि कह रहे हैं, देखिए, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। बहुत खूब। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, यानी क्या कि अनुभव, जितने भी अनुभव इस उम्र तक मैंने लिए हैं वो मानो कर्ज है, और उसी से मैंने बो दिए बीज हसरत के, ख्वाहिशों के बीज मैंने बो दिए हैं। अगर अरमान और आकांक्षाएं जो होती हमारे जीवन में, उनको पूरा करने के लिए प्रयास करने की कोई निश्चित उम्र होती नहीं है। जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि जीवन में आप अनुभव लेते जाएंगे, उम्र भला कौन से ही हो, आपके जीवन में जो अरमान है, आपकी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, जिनको आपको पूरी करनी है, वो आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, उसकी कोई उम्र नहीं होती है। इनको पूरा करने के लिए तो हम कभी भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उन अनुभवों से ख्वाहिशों के बीच बोते जाओ, तभी आपको अच्छी सफल मिलेगी, है ना। सफल किसकी? सफलता की। पास थी कुछ जमी ख्यालों की। कवि कहते हैं कि उन्होंने भी मन में कुछ अरमान संजोए थे, इसलिए उन्होंने कल्पना में इन अरमानों के पूरे होने के लिए प्रयास का बीजारोपण किया। प्रयास जो कभी छोड़ना नहीं है, प्रयत्न जो कभी छोड़ने नहीं है, है ना। अगली त्रिवेणी देखते हैं छात्रों। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। बहुत खूब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा। भी यूं हो जाता है कि
व्यक्ति जो है बहुत दूर देखने लगता है। जब दूर का दिखाई नहीं देता ना, तो संभल कर कदम रखने चाहिए। इसीलिए कवि यहां पर कहते हैं कि ये ना सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, हर वक्त दूर का दिखाई नहीं देगा। एक ही दीप से आगाजे सफर कर लेना। जब दूर का दिखाई नहीं देता आपको, तो हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपके हाथ में, आपके मन में उम्मीद है, उस उम्मीद के छोटी सी किरण के साथ एक एक कदम रखते जाइए। जहाँ पर कदम रखोगे वहाँ पर रोशनी होगी। मैं आपको यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण देती हूँ कि एक व्यक्ति है, निराश व्यक्ति, बैठा है एक जगह पर और कह रहा है कि चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। उसके हाथ में लालटेन होने के बावजूद वो ये कह रहा है। तो वहां पर एक फकीर आता है। फकीर कहता है, भाई आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? तो वो कहता है कि कैसे बढ़ू भाई, दूर दूर तक तो अंधेरा छाया हुआ है। तो फकीर जो है उस पर हंसने लगा और कहा, क्या भाई, अगर दूर का ना दिख रहा हो तो आपके हाथ में तो लालटेन है, आप एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ, हर कदम पर क्या होगी, रोशनी होगी, उसी से यात्रा का आरंभ कर लो, आगाज ये सफर कर लेना, जैसे ही कदम बढ़ाओगे रोशनी नजर आएगी। यानी क्या कि हिम्मत बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। मैंने आपको कहा ना कि जीवन में अगर आपका, आपको दूर का नहीं दिखाई दे रहा हो तो एक एक कदम रखिए, कदम से कदम जैसे मिलते जाएंगे, आप कब दूर तक पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, कब सफलता तक पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही तो करना है जीवन में, दूर का जो हमारा टारगेट है, जो हम देखना चाहते हैं, उसको पूरा करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए आपको एक एक सीढ़ी चढ़ते जाना है। ये ध्यान में रखिए, तो जब आप एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो दूर मत देखिए। इसलिए आपके मन में जो आशा का एक किरण होता है वो बहुत बड़ी रोशनी होती है आपके लिए। कदम कदम पर रोशनी होगी उस दीपक के साथ अगर आप चलेंगे तो। तो छात्रों, इस कविता में आज का ये जो वीडियो है, इसमें हमने 5 त्रिवेणियां पढ़ी, जिसमें कवि ने बहुत ही खूब कहा कि जीवन में संकटों का सामना करना है, माँ बाप को किस तरह से सहारा देना है, डूबते समय में उनको अकेला नहीं छोड़ना है, उनसे प्यार, अपनापन, लगाव बनाए रखना है, संकटों का सामना करना है, भले जीवन में कितना भी अंधेरा छाया हो उससे डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, हीरे की तरह अनुभव के साथ अपने जीवन को घिसते जाओ, और भी हीरा चमकता जाएगा, आप जीवन में और भी सफल होते जाएंगे। आशा करती हूँ छात्रों कि आज का ये जो भावार्थ मैंने आपको बताया त्रिवेणियों का, वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली 3 त्रिवेणियां बची है जो हम अगले वीडियो में सीखेंगे, और साथ में उन पर आधारित किस तरह की कृति आपको पूछी जा सकती है यह भी हम देखेंगे। तो छात्रों, अगले वीडियो तक अलविदा।